हाय, वेलकम टू वीआर लर्नर्स। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर, हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। हमने लास्ट क्लास में सीखा कि nth टर्म ऑफ एन एपी हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। nth टर्म इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। हियर ए स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, डी स्टैंड्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स, दैट इज ये कॉमन डिफरेंस है, और हियर n स्टैंड्स फॉर द टर्म्स नंबर इन द एपी, दैट इज इस टर्म की इस एपी में कौन सा पोजिशन है वो डिनोट करता है n, और a सब n से हम डिनोट करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है एपी का, और इसमें इसके कुछ टर्म्स लिखे हैं। देखिए, टर्म का मतलब हो जाता है ईच नंबर ऑफ द एपी इज कॉल्ड इट्स टर्म। सो यहां माइनस वन इस एपी का टर्म है, सिमिलरली वन भी इस एपी का टर्म है, थ्री भी इस एपी का टर्म है, फाइव भी इस एपी का टर्म है, एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये इस एपी के टर्म है। एक इंपॉर्टेंट चीज और है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, दैट इज यहां जो भी टर्म्स हैं, ये देखिए, ये जो भी टर्म्स हैं इनका अपना एक स्पेसिफिक पोजीशन होता है इस एपी में। जैसे कि क्लास में आपके सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं या सिनेमा हॉल में सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, वैसे ही इन टर्म्स का इस एपी में स्पेसिफिक पोजिशंस होते हैं। नाउ इस एपी के फर्स्ट पोजीशन में जो टर्म है उसको हम कहेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी। सो हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस वन। नाउ सेकेंड टर्म भी यदि हमें फाइंड करना हो तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, दिस इज फर्स्ट और ये सेकेंड पोजीशन में, हमने सेकेंड काउंट भी कर लिया, सो सेकेंड टर्म हम लिख सकते हैं, सेकेंड टर्म इज वन। नाउ व्हाट इफ आपसे पूछा जाए कि इस एपी का फिफ्थ टर्म कौन सा है, फाइंड कीजिए। फिफ्थ टर्म के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्टार्टिंग से काउंट करना होगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, और आप बता सकते हैं फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज सेवन। नाउ व्हाट इफ आपसे कहा जाए कि इस एपी का 51st टर्म बताइए, तो आप कैसे करोगे, स्टार्टिंग से काउंट करोगे इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये पॉसिबल नहीं है, हमें इसके लिए एक ईजियर प्रोसेस चाहिए। आइए उसको हम इस पिक्चर की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ सेम एग्जाम्पल लिया है, देखिए एपी का, और यहाँ हमने पोजीशन ऑफ द टर्म्स लिखा और यहाँ हम टर्म्स लिखेंगे इस एपी के। इस एपी का फर्स्ट टर्म जो भी है, दैट इज फर्स्ट पोजीशन में जो कौन सा टर्म है, माइनस वन। सो ये इस एपी के फर्स्ट टर्म हो गया माइनस वन। इस एपी का सेकेंड टर्म कौन सा है, दैट इज सेकेंड पोजीशन में कौन सा नंबर है, वन है, सो हमने इसको लिख दिया वन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी इज वन। इसका दूसरा शॉर्ट तरीका है वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए सब टू इज इक्वल्स टू वन। अब यहां देखिए, ये जो ए सब टू इज इक्वल्स टू वन लिखा है, सो व्हाट इज वन हियर, वन इज द टर्म ऑफ दिस एपी। तो इसका मतलब हो जाता है ए सब टू क्या है, ए सब टू भी इस एपी का टर्म हो गया, तो हम वन को डिनोट कर सकते हैं ए सब टू से। सो ये दूसरा तरीका है जिससे हम उसके टर्म को डिनोट कर सकते हैं। नाउ यहां देखिएगा, इसके यहाँ सबस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा हुआ है, दैट इज टू। सो ये टू डिनोट करता है पोजिशन ऑफ द टर्म इन दिस एपी। नाउ इफ हमें कहा जाए कि टर्म है इस एपी में, दैट इज एक नंबर है इस एपी में 101, सो हम इसको यहाँ लिख देते हैं। अब हमें बताना है कि ये कौन से पोजीशन में है। अब हमें पता नहीं कि इसका पोजीशन कौन सा है इस एपी में, सिर्फ पता है कि ये इसका टर्म है, 101 इस एपी का टर्म है, और इसका जो पोजीशन है वो अननोन है। ऐसे में इस अननोन पोजीशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे n से, तो 101 क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा इस एपी का, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, n पोजीशन है। सो
101 nth टर्म हो गया। अब nth टर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए इस केस में देखिए टर्म था 1, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया है, सेकेंड टर्म है सो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है a सब 2 से। सो सिमिलरली ये nth टर्म है सो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a सब n से। सो a सब n क्या है, a सब n इज इक्वल्स टू 101, और ये दोनों क्या है, a सब n और 101 ये दोनों हैं टर्म ऑफ दिस ap, क्योंकि 101 को ही हमने डिनोट किया है a सब n से। और इसके सबस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा हुआ है n, व्हाट इज n, n इज द पोजीशन ऑफ द टर्म इन दिस ap। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो देखिएगा, हमने जो भी पोजीशन ऑफ द टर्म्स लिखे हैं ये किस तरीके से डिनोट किया है वो देखिए, हमने लिखा है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। सो हमेशा जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं, दैट इज 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि हम जब भी डिनोट करते हैं टर्म्स को तो हम कैसे डिनोट करते हैं, a सब 2, जो पोजीशन है वो हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा है, इसको कभी ऊपर मत लिख दीजिएगा। यदि आपने ऊपर 2 लिख दिया, पोजीशन यदि ऊपर लिख देते हैं तो ये इसकी मीनिंग हो जाती है a स्क्वायर्ड, ये रॉन्ग हो जाता है। अब सपोज थर्ड पोजीशन में टर्म है तो हम थर्ड टर्म कैसे डिनोट करेंगे, हम लिखेंगे a सब 3, क्योंकि इसकी पोजीशन हमें पता चल जाती है 3 से, सो ये a सब 3 लिखेंगे। इसको कभी a और 3 ऊपर मत लिख दीजिएगा, ये a क्यूब्ड हो जाएगी, ये भूल हो जाएगा। अब इसी nth टर्म फॉर्मूला में देखिएगा, a सब n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो ये n क्या है, n है पोजीशन ऑफ द टर्म, एंड व्हाट इज a सब n, a सब n इज द टर्म इटसेल्फ। सो इस nth टर्म फॉर्मूला में हम यहाँ जो ये n लिखा हुआ है, n की जगह हम अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी वैल्यूज यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सो उसका हम टर्म निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, n की जगह यदि हम 8 लिख सकते हैं तो ये हम 8th टर्म में ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नाउ सपोज n की जगह यदि हम रिप्लेस करते हैं ये n, इसीलिए हम इसको जनरल टर्म कहते हैं nth टर्म को, क्योंकि हम इसमें n की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, n तो अननोन क्वांटिटी है, जो भी आप वैल्यू इसमें डाल सकते हैं फॉर्मूला आप इसको यूज करके उस टर्म का आपका वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। यदि आपने 4 डाला है तो आप इसमें फोर्थ टर्म जो होगा उसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। nth टर्म को हम जनरल टर्म ऑफ द ap भी कहते हैं। सो जनरल टर्म ऑफ एन ap यदि हम वर्ड्स में लिखें तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस जो भी टर्म का नंबर है, देखिए n का मतलब क्या हो गया, इस टर्म का इस ap में जो स्पेसिफिक पोजीशन है दैट इज टर्म का जो भी नंबर है वो लिख के उस पे से हम माइनस कर देंगे 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। और जैसे कि हमने अभी बात की है कि जो टर्म के जो नंबर होता है, जो नंबरिंग होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे 1, 2, 3, 4 किया है हमने, ये क्या होते हैं, टर्म के नंबर्स हमेशा नेचुरल नंबर्स होते हैं। ये जो nth टर्म फॉर्मूला है ये हम फिनिट और इन्फिनिट जो सीक्वेंस होते हैं दोनों में यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वहाँ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ हम जो यूज़ करते हैं उसमें हम यहाँ लास्ट टर्म ऑफ एन एपी फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टर्म को हम डिनोट करेंगे एल से, सो हम सेम फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और यहाँ हम लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ ए सब एन हम रिप्लेस कर देंगे उसको एल से, और हम इसको लिख सकते हैं एल इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आइए अब देखते हैं आज के सवाल, आप जल्दी से कमेंट पे इनके रिप्लाई करें। मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।